हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया हैं। सर स्वागत है आप सभी का हमारे ले वाले इस व्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आज हम आपको अपने साथ लेह तक पहुंचा ही देंगे इस वीडियो में। आप बने रहें। और जी हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग जितना प्यार हमें देंगे या ब्रो क्या ना भाई, अपनी क्या बोलते हैं घर वाले जैसे बोलते हैं ना, देख तेरा रिश्तेदार जा रहा है, वैसे ही जा रहा था ये भाई। ये वो स्ट्रेट रोड है जिसके पीछे माउंटेन्स का बैकग्राउंड आता है और बैठ बैठ के लोग फुट, ये देख लो भाई सैंडी को, ये भी वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया। हे व्हाट्स अप ब्रो, कम ये क्या बात है, आ जाओ भाई, आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा मेरी वीडियो बनाएगा, कोई ना बनाओ बनाओ भाई, ये वादियाँ पड़ी हैं वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो देख रहे हो यार क्या सीन है भाई, मैं खड़े होकर बाइक चला रहा हूँ इसलिए ताकि इस कैमरे की नज़रों के बीच में और जो व्यू मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ ना, उसके बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, आपको क्लियर विजिबल बेहतरीन व्यू मिलना चाहिए। लेकिन मैं अभी कितनी देर खड़ा होऊंगा यार, यू नो समझ सकते हैं आप। अब यहाँ एक बार खड़े होके भाई फ़ोटोज़ क्लिक करनी है और एक आध वीडियो शॉर्ट्स। बाइक गाड़ी भी आ गई है पीछे, चलो रोक लेते हैं, पहले काम निपटाया जाए उसके बाद दूसरा काम किया जाएगा। अरे रुक जा भाई रुक जा। हाँ अच्छा सो गया, क्या बात है, टांगे इसकी तो टांगे मजे ले रही हैं। खिड़की से बाहर निकाल के आराम से सो रहा है। तो भाई फोटो सेशन करने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं और वो देखो सामने, वो देख रहे हो बादल भाई, जब जब माउंटेन्स में ऐसे बादल होते हैं ना तो यहाँ स्नोफॉल हो जाता है, तो जब ऐसे नज़ारे दिखते हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ दूर ऊपर कहीं, जैसे राइट साइड में भी हो रही है, दूर कहीं ऊपर स्नोफॉल हो रहा होगा। लेकिन चलो कोई ना भाई, पहाड़ों का तो सीन ही ये है, कोई ना। भाई ले के और नज़दीक लगते हुए ये बीच में एक जगह है, यहाँ पे ना ये बहुत सारे ऐसे टेंपल्स बने हुए हैं, टेंपल्स ही टेंपल्स हैं। एक मिनट कोशिश करते हैं, शायद ये बागचू या बागची कुछ ऐसा लिखा हुआ था भाई जगह का नाम। और यहाँ पे देखो ये कितने सारे टेंपल्स हैं भाई, कितने सारे लाइन लगी हुई है, बिल्कुल एक साइड ग्रीन है और एक साइड टेंपल्स है, कितना अच्छा सा व्यू बन रहा है ना, और ऊपर नीला आसमान, अरे क्या बात है। देख रहे हो मैं तुम्हें कितनी अच्छी वीडियोस बना बना के दे रहा हूँ, तुमने करना क्या यार, तुमने करना सिर्फ इतना है, बस मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना है और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। और ये आगे जी हमारे रिश्तेदार, देखो कितने सारे हैं। लाइन लगी हुई है, कहाँ रह गए भाई, इतने ही थे क्या। हाँ ना और भी हैं, और भी अभी और भी आएंगे, ये रे रे। राइडर्स की बात करते करते भाई संगम पे पहुंच गए हैं, दो नदियों का संगम। और एक तरफ से आ रहा है ग्लेशियर्स का, बोले तो ये जो ब्लू ग्रीन शेड होता ना ये ग्लेशियर्स का पानी है, और उधर से आ रहा कोई मिट्टी वाला पानी, थोड़ा मिट्टी जैसे रंग का, ठीक है ना। तो वहाँ कच्ची माउंटेन्स के बीच में से मिट्टी साथ बह के आती है तो उसका रंग ऐसा होता है, और इस साइड वाले पानी का बिल्कुल क्लियर, हाय हाय देखने में भी अच्छा लगता है नहीं, पहाड़ों के बीच में नीली नीली हरी हरी सी ये पानी का कलर कितना अट्रैक्टिव लगता है। थार वाले को देख लो भाई मजे ले रहा है पीछे बैठ के, और ये अपने चीते, चलो भाई। वहां से निकलते ही भाई हम लोग पहुंच गए, रचित भी पहुंच गया भाई, सारे पहुंच गए हैं। और जी हाँ हम लोग पहुंच गए हैं आपका मैग्नेटिक हिल्स, सामने लिखा हुआ है, और गाड़ी भी पहुंच गई है, ये सामने गौरव लगा हुआ भाई। हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन करेंगे, क्योंकि दुनिया कर रही है हम भी कर लेंगे, है ना। वो गिरा दिया भाई हेलमेट, टूट ना गया वो, ए हे। भाई हम भी अब ना, मेरी भी इच्छा हो गई है कि जब दुनिया इतनी विले, असल में तो वैसे रोड का स्लोप ही पीछे की तरफ है तो पीछे जाना लाजमी है। हाँ भाई अरे हम भी टेस्ट करके देखेंगे, ऐसी क्या बात है, जब दुनिया टेस्ट कर रही है हम भी देख लेते हैं हमारी बाइक। ओ देखिए ये साथ वाले के पीछे जा रही है, चल भाई पीली, बॉब ने तो पीछे कर दी भाई, अपनी अपनी पीली लाइन पे खड़ी कर दी,
बॉब ही जाएगा सबसे पहले पीछे, लग रहा है 100 की रफ्तार से जाएगा मैग्नेटिक हिल्स पे। इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है ना, इसके ही इज हैविंग आयरन बट, लोहे के है ना इसके, इसलिए पीछे की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। यहाँ पे चर्चा यही चल रही है भाई सबके बीच में कि पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये ब्रो, अच्छा देखा, मैं कह रहा था ये आयरन बट वाला व्यक्ति कुछ खास करेगा। ये कह रहा है कि ये क्लिप है मेरे पास लोहे की, देखते हैं रोड रोड के चिपकेगी या नहीं चिपकेगी। टीम आरिसी में एक से एक कलाकार है भाई हमारे पास, देख रहे हो चीते भरे पड़े एक से एक। और दूसरा भाई कह रहा है कि इसको हवा में उछाल दे पीछे, दे ये सोनू कह रहा है कि इसको हवा में उछाल दे ये पीछे चिपक जाएगी जाके पहाड़ के। हाँ भाई। तो भाई अब चलो निकलते हैं यहाँ से, हो गया हमारा मैग्नेटिक हिल्स का एंटरटेनमेंट, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी हो गया होगा, सबके बैग पैक हो गए, हमारी बाइक पीछे गई को नहीं। अब आगे चलते हैं फिर रेस देखे, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। लो जी अब यहां से निकलते ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, जी हाँ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी हाँ, पहुंच गए जी हम जी गुरुद्वारा पत्थर साहिब। और यहाँ मत्था टेक के चलेंगे, प्रसाद खाएंगे, लंगर खाएंगे जी, लंगर छक के चलना ही चलना है, भूख बहुत लगी, और गुरु के घर आके खाली तो जाना ही नहीं, प्रसादा भी लेना है ते लंगर भी लेना है। ओए होए फौजी भाई जय हिंद, अपने फौजी भाई भी यहाँ सारे आते हैं, मतलब इस रूट से अगर कोई गुजरता है तो शायद ही कोई ऐसे जाता होगा खाली। चलो अपनी भी बारी आ ही गई, बाइक खड़ी करते हैं और चलते हैं अंदर। ये रहा सामने, है ना, मस्त है ना। और यहीं से अगर आप देखोगे ना, ये तो जैसे अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, इधर पार्किंग का भी इन्होंने काफ़ी सारा स्पेस बना दिया है, इधर ये गुरुद्वारा है। और एक मिनट भाई, क्या दिक्कत हो गई, चलो थोड़ी आगे खड़ी करते हैं, सबकी एक साथ खड़ी हो जाएगी, बढ़िया रहेगा ना, ये बाकी चीते भी यहीं खड़े हैं सारे। ओके, तो सामने जो आप देख रहे हो ना, ये है गुरुद्वारा, ठीक है। अब इसके अंदर तो हम फोन लेके नहीं जा सकते, लेकिन यहीं से देखना होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और ये हमारा निशान साहिब जी, वाजीवा मस्त लगा हुआ है। और एक इसके बिल्कुल ऊपर भी इन्होंने वहाँ भी एक फ्लैग लगाया हुआ है, तो वहाँ भी लोग चढ़ रहे हैं बीच में से रास्ता बना के। अब ऊपर जाके क्या करते हैं वो अपने को नहीं पता, अपन तो भाई यहीं, वो देख लो, ये देख रहे हो रास्ता, वो गया हुआ है। और चलो जी अंदर से जाके अब लंगर खा के और बाहर आ गए, अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। निकलने से पहले एक डिमांड रेस की गई है कि जी, मौसम भी खराब हो रहा है वैसे, एक डिमांड रेस की गई है कि आओ जी फोटोज क्लिक करते हैं सारे के सारे एक लाइन में खड़े होके। तो सारों की गाड़ी भी पीछे ये लेके आ रहा है। हाँ अब ये पहले बंद करेगा फिर सुनेगा। हाँ ये बॉब मार ले है हमारा एक नंबर का आदमी, सारे सीक्वेंस में लगा के भाई फोटो शूट करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से, पकड़ाते हैं किसी को फोन अपना। है कोई फोटो खींचने वाला मेरा प्रिय भाई, कोई दिख रहा है क्या भाई फोटो? हाँ, दिखा तो सही। आजा भाई केटीएम लेके है ना हमारा दमन, मेरा वीर इतना फास्ट हो गया है, बार बार आगे भाग जाता है, फोटो भी भूल जाता है। अबे मेमोरीज क्या लेके जाओगे, सब कुछ आंखों में बसा के लेके जाओगे या फोटो भी क्लिक कराओगे? आ जाओ से चीज, सबने कर दिया, सबने विक्ट्री साइन बना दिया है, बोले तो ऑलमोस्ट ले पहुंच गए हैं अब 15 किलोमीटर का काम। हाँ भाई क्या हो गया? हाँ 15 मिनट, और देखो गाड़ी में बैठे बैठे भी लोग ना अंदर हमारे को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं भाई, क्या करें, गैंग लेके आए हुए ना हम लोग, 5 बाइकें एक गाड़ी है साथ में, रोड पे चलते हैं तो दिखता है सबको। चलो इसी के साथ अब करते हैं निकलने की तैयारी, इस भाई को बोल देते हैं थैंक यू, और अपने भाई ग्लव्स करो टाइट, और अब सीधा पहुंचा देंगे ले ले बेटे ले।
और लेह की तरफ बढ़ते हुए ये सामने नजारा जो आप देख रहे हो, वो देख रहे हो सामने, अय हय 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 हय, बस मेरी नजरों के सामने लेह नजर आ रहा है मुझे, थोड़ा सा दूर रह गया और ऊपर से मौसम आ गया, ऐसा हो गया है कि देख रहे हो सामने कैसे हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बरस जाएगा और लेह में ही बरस जाएगा। हमारे पहुंचने पर स्वागत तो कुछ ऐसा होना ही चाहिए वैसे, नहीं बरस जाओ कोई बात नहीं देखी जाएगी। और लो जी, स्वागत है आप सभी का देवियों सचिनो, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है फाइनली हम लोग लेह में पहुंच गए हैं। ये जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो ये है लेह एंटर करते ही जो वॉर म्यूजियम बना हुआ है लेह में, ये है वो, और ये है भाई राइट हैंड साइड पे जो हमारी आर्मी यहाँ पे पोस्टेड है उनकी यूनिट, और यही तो खूबसूरती है ना भाई लेह की, क्योंकि लेह में हमारी आर्मी बहुत है, हमारे यू नो होनहार जवान। और सही बोलूँ तो भाई ऐसे ऐसे ट्रिप्स पे मैं इन्हीं से मिलने के लिए आता हूँ, बाकी तो सब चीज़ें देखी जाती हैं। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, लव यू गाइस, जय हिंद।